हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi के रिसेंटली लॉन्च फ़ोन Xiaomi के Mi A3 के बारे में, जो चाइना में लॉन्च हो चुका है, जो रिसेंटली कुछ दिनों में हमारे इंडिया में भी आ जाएगा। हम इस वीडियो में देखेंगे ये फ़ोन तबाही ला सकता है कि नहीं। आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, इसका पूरा डिजाइन चेंज कर दिया गया है पुराने A1 सीरीज से। ये फोन दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, एक है 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज एंड सेकंड वाला है 4GB रैम विद 128GB। अगर ये इंडिया में लॉन्च करना चाहिए, इन्हें 6GB रैम के साथ भी फोन लॉन्च करना, जो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अब इसका अनबॉक्सिंग। आपको फ़ोन के अंदर सब गाइड्स और मैनुअल मिल जाते हैं और उसके साथ एक सिलिकॉन केस मिल जाता है, जो है ब्लैक कलर का, यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं फ़ोन, बाकी फ़ोन दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और इसका लुक बहुत ही रिच आता है। आपको फ़ोन के साथ USB टाइप सी पोर्ट और 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग आपको मिल सकता है। Xiaomi ने यह बहुत गलत किया कि इनसाइड द बॉक्स आपको सिर्फ 10 वॉट का चार्जर दिया है और फोन सपोर्ट करता है 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग, वो भी 3.0 के साथ, पर इसको इनसाइड द बॉक्स Xiaomi ने नहीं दिया। आप अलग से mi.com पे जाके 18 वॉट का या उससे ज़्यादा वॉट का चार्जर परचेस कर सकते, पर इनसाइड द बॉक्स दिया रहता तो बहुत ही अच्छी बात होती थी। और आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल भी मिल जाता है। अनबॉक्सिंग आगे बढ़ाने से पहले हम बात करते हैं इसे कलर वेरिएंट के बारे में, ये कौन कौन से वेरिएंट में आता है। पहला वर्जन है नॉट जस्ट ब्लू, फिर है सेकंड वाला मोर देन वाइट, जो बहुत ही अच्छा दिखता है, एक रिच लुक आता है, और थर्ड जिसकी आगे के वीडियो हम अनबॉक्सिंग करने वाले, जो है काइंड ऑफ ग्रे। फ़ोन वैसे दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और इसका रिच लुक आता है। मुझे इसकी बॉडी काफ़ी अच्छी लगी, पहली बार Xiaomi ने इतनी अच्छी बॉडी डिज़ाइन की है कि इसका ग्लॉसी लुक आता है, एक K20 Pro के तरह और K20 की तरह थोड़ा अच्छा दिखता है, वैसे सेम लुक आता है। इसमें Android 1 का सपोर्ट है, आपको पता ही होगा Android 1 का प्रोग्राम, जो स्टॉक एंड्रॉयड हर फ़ोन में मुहैया कराता है, और ये फ़ोन में बेसिकली स्टॉक एंड्रॉयड, जो बहुत ही अच्छा लगता है। एज अ मैटर ऑफ प्रेफरेंस, कुछ लोगों को स्टॉक एंड्रॉयड बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, पर एज अ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें एंड्रॉयड 9.0 का सपोर्ट भी दिया गया। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर HD+ का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, पर वो उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें FHD+ का डिस्प्ले दिया गया रहता तो बहुत ही अच्छी बात होती थी, और ये अपने प्राइस सेगमेंट में फ्लैगशिप किलर होता था। उसमें FHD+ का सपोर्ट होता था इतने कम प्राइस के अंदर, तो बहुत ही अच्छी बात होती थी, पर Xiaomi ने नहीं दिया इसमें। अगर Xiaomi इसके अंदर FHD+ का डिस्प्ले दे के इंडिया में लॉन्च कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आगे एक्सपेक्ट करते हैं क्या होता है। अब बात करते हैं फ़ोन के साइज़ के बारे में। फ़ोन की साइज़ है 6.08 इंच और जिसका वेट है 173.80 ग्राम अप्रॉक्स, और जिसके अंदर 720x1560 का रेजोल्यूशन है, और जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 19.5:9, और जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। आप फ़ोन देख सकते हैं, फ़ोन के नीचे और साइड में बहुत थिक बेजल्स है, जो बहुत ही फ़ोन को इतना अच्छा रिच लुक नहीं दे पाते आगे से, पर फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इतने। आप देख सकते हैं फ़ोन के अंदर सबसे खास बात है कि फ़ोन की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी करती है। आप यहाँ पे Xiaomi की ब्रांडिंग देख सकते हैं और यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देख सकते हैं आप, और जो इसमें शाइन दिया है रेनबो का, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ही ग्लॉसी और ग्लैमरस फ़ोन है, और ये बहुत ही अच्छा लुक है। अब बात करते हैं इसके ट्रिपल कैमरा के बारे में। पहला कैमरा है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है, f2.2 का उसका अपर्चर है, और सेकंड कैमरा है 48 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है, f1.79 का अपर्चर है उसका। थर्ड कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग का, और जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसमें आपको डुअल LED फ्लैश भी मिल जाता है, जो AI कैमरा है, और ये कैमरा बहुत ही अच्छा और रिच लुक आ रहा है इसे देखने में, और इसके अंदर पिक्स भी बहुत अच्छे आते हैं। आप उसको एक सैम्पल शॉट आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं सैम्पल शॉट, इसने बहुत अच्छा डिटेक्ट किया, और साइड में जो ब्लर किया उसने सही किया है, और क्लैरिटी भी अच्छी है और डिटेलिंग भी अच्छी दी गई है। बेसिकली Xiaomi के फ़ोन कैमरा के लिए जाना जाता है A सीरीज़ के। आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं नीचे की तरफ, और USB टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, और आपको साइड की तरफ आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं, और ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर, 3.5mm ऑडियो जैक और नॉइज़ कैंसलेशन मिल जाता है। सबसे अच्छी बात, इसमें अभी भी 3.5mm का ऑडियो जैक है, और आपको लेफ़्ट साइड में सिम इजेक्टर भी मिल जाता है, और इसकी बैटरी की कैपेसिटी है 4030mAh की बैटरी है इसमें, जो बहुत ही अच्छा है, एकदम मैसिव तो नहीं बोल सकते पर अच्छा है वो।
क्वाइट इम्प्रेसिव। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रोसेसर के बारे में। इसके अंदर क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 655 का प्रोसेसर है, 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो बहुत ही अच्छा है। ये फुल तबाही वाला प्रोसेसर तो नहीं है, फिर भी पावरफुल प्रोसेसर है जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अब बात करते हैं इसके स्पीकर के साउंड के बारे में, इसकी क्वालिटी क्या है। ये स्पीकर लाउड है पर एकदम एक्सेस लाउड नहीं है। आप सुन लीजिए इसकी आवाज़। अब बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के बारे में। इसका फ्रंट कैमरा 32 MP का शूटर है जो बहुत ही मैसिव और तगड़ा है इस प्राइस रेंज में। Mi A3 में आपको सभी तरह के सेंसर मिल जाते हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए। इसमें सभी तरह के सेंसर है और इसमें एक नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाती है जो आपको चार्जिंग के वक्त दिख जाएगी। और इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी, जो काफ़ी फास्ट तो नहीं पर ठीक ठाक है। और आपको यहाँ पर फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। अब बात करते हैं इसमें गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। हम इसे पबजी खेल के दिखाते हैं आपको। हमने पबजी हाई सेटिंग पे खेले तो इसमें बहुत सारे लैग आ रहे थे और फ्रेम ड्रॉप हमें मिले। आप पबजी मीडियम सेटिंग पे आराम से खेल सकते हैं, इसमें कोई लैग नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय। Please like, share, comment and subscribe guys. Subscribe now.